हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन इन योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस बाय केडी शर्मा, जहां पे आज हम आपके लिए कक्षा 8 की मैथ का चैप्टर नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल 6.1 एक्सरसाइज सोलो करेंगे, जिसमें अपना है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहली एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन पहला है, इसमें पहला दिया हुआ है आपको, इसमें संख्या दी हुई है 81। कितनी दी हुई है? 81। 81 दी हुई है इकाई का अंक। पीछे से गिनोगे तो ये इकाई का अंक हो जाएगा। इस इकाई के अंक का आपको वर्ग बताना है। तो देखो, अगर हम एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो अपने पास एक ही आएगा, तो इसका ये इकाई अंक यही अपना आंसर हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 81 के इकाई के अंक का। वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? तो इसका क्या होगा? इसका यही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है 272, तो इसमें क्या होगा? जो 2 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपन को तो केवल इसी के बारे में जानना है, इनके बारे में जानना ही नहीं है अपन को। तो 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4, मतलब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया इधर। अगली संख्या देखो, अगली संख्या अपनी है 799। अभी अपन को 9 जो इकाई पे डिजिट है उसी का निकालना है ना, तो 9 मल्टीप्लाई 9 नोम नाम 81, तो इसका भी 1 आएगा। क्या आएगा आंसर अपना? 1, क्योंकि इकाई का अंक लेना है अपन को। ठीक है, इसके बाद में अगला है जिसमें आपको 3853 दिया हुआ है। 3853 दिया हुआ है, तो अपन को तो 3 का स्क्वायर ज्ञात करना है ना, इकाई का अंक यही है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितने हो जाएंगे? 3 तया का 9, तो अपना आंसर आ जाएगा 9। इसके बाद में अगला है पांचवा नंबर, जिसमें अपन को दिया हुआ है 1254। कितना दिया हुआ है? 54, तो अपन को तो 4 का निकालना है ना, 4 मल्टीप्लाई 4, तो इसका हो जाएगा 16, तो इसमें अपना इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में ये अपना छठवा नंबर का आ गया। इसमें इसमें अपने पास संख्या है 26387, ये संख्या है, तो अपन को 7 का निकालना है इकाई के अंक का, तो ये 7 मल्टीप्लाई 7, 7 × 7 = 49, तो अपना आंसर हो जाएगा 9 इकाई का अंक। क्योंकि देखो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएंगे, अपन को इकाई का अंक बताना है, तो ये अपना आंसर रहेगा हमेशा। इसके बाद में अगला देखो सातवा, इसमें दिया हुआ है 52698, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 × 64, तो 4 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे और देख लेते हैं, कुछ और रह गए थोड़ा सा, मैं इधर कर देता हूँ। 99000 अगला कौन सा है? आठवा है बेटा, आठवा, तो इसमें अपने पास है 99880। तो देखो जीरो को कितने ही जीरो से मल्टीप्लाई कर लो, इसका इकाई का अंक 0 ही आएगा, यह आंसर अपना। इसके बाद में अगला है नौवा है इसका, जिसमें अपने पास संख्या है 12796, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो 6 × 6 = 36, और आंसर क्या हो जाएगा? 36 में 6 जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, वो अपना आंसर हो जाएगा, 6 × 6 = 36, तो 6 अपने आंसर आ जाएंगे। इसके बाद में लास्ट वाला है अपना 55000
555। अब इसमें देखो इकाई का अंक 5, सभी 5 ही है, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, तो अपना आंसर भी आएगा 5। इस प्रकार आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार हम आपके लिए आगे और भी क्वेश्चंस लाएंगे, तो इसके लिए आप अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें पता लग सके कि अपनी हिंदी मीडियम में मैथ की क्लास चल रही है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे करना है उसको, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।